नमस्कार, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। अभी हम गोंडा जिले के तरबगंज विधानसभा में हैं और ये जगह है उमरी बेगमपुरा है और हम यहां पे जानेंगे कि चुनावी माहौल है, इस बार किसके रुझान जो है ज़्यादा है। तो यहां पे जानेंगे कुछ लोग, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है अंकल जी? हमारा नाम इंद्र बहादुर द्विवेदी है। तो इस बार क्या माहौल है, किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी। क्या देखते हैं बीजेपी को, क्यों लाना चाहते हैं आप? बीजेपी हमारी पसंद भाई है हम लोग। आप बताइए इस बार क्या माहौल है? इस समय माहौल बीजेपी का है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी का जो है इस समय लहर है, आम जनमानस उनको वोट करना चाहता है। प्रेम नारायण पांडे बीजेपी से विधायक हैं, क्या कुछ कामकाज कराया उन्होंने? उन्होंने तरबगंज विधानसभा में 450 किलोमीटर पिच कराई है। इस विधानसभा में पहली बार ऐसा हुआ है कि ज़्यादा संख्या में सड़कें बनी हैं। अच्छा। पहली चीज़ आप ये जाने। दूसरी चीज़, आम जनता से मिलना जुलना, उनका व्यक्तिगत काम, सार्वजनिक काम, ये गोंडा से उमरी बंदा जो रोड बनी है, हमको गोंडा जाने में 1 से 1.5 घंटे लगते थे, लेकिन आज हम गोंडा मुख्यालय 20 मिनट में जा रहे हैं। ये माननीय प्रेमनारायण पांडे की देन है। ऐसे तमाम क्षेत्र में काम हुए हैं और ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया। पूरे जो सरकार पर सवाल उठ रहे हैं वो महंगाई को लेकर उठ रहे हैं, रोजगार को लेकर उठ रहे हैं, देखिए आवारा पशु को लेकर उठ रहे हैं। देखिए, आवारा पशु योगी और मोदी ने नहीं छोड़ा है। ये किसानों का ये आवारा पशु है, लगाते हैं, खाते हैं और जब वो दूध नहीं देती तो उनको छोड़ देते हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है और इस पे सरकार ने व्यवस्था भी किया है, गौशालाएं बनवाई हैं। पागली गवर्नमेंट जब आएगी तो फिर बने। जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इससे किसान बहुत परेशान है। हाँ, तो अब की जो बार जनता उनको मौका दे रही है तो अगले पंचवर्षीय में वो अपना बनाएंगे। साल तो दिन है जनता ने, नहीं तो गाँव तो गौशाला उन्होंने बनवाई, ऐसा नहीं है। हमारे ब्लॉक में 3 गौशालाएं हैं, एक बदलेपुर और एक ये आदमपुर, डिक्सिर और सेमरी। हमारे ब्लॉक में 3 गौशालाएं हैं लेकिन और प्रोसेस में है। तब तक ये चुनाव आ गया, अब ये चुनाव बीतेगा, गौशालाएं और बनेंगी, इसकी व्यवस्था की जाएगी। तो सपा का क्या माहौल है इस बार? सपा बेकार पार्टी है। सपा बेकार पार्टी है, कोई मतलब नहीं उसका। वादा तो कर रही 300 फ्री। देखिए, सपा पार्टी में सबसे पहली कमी तो ये है कि जब उनकी सरकार आती है तो लाइन ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता। पहली चीज तो ये है, किसी मोटरसाइकिल पे उनकी सरकार में जब 5 लोग जाते थे तो ये होता था कि उसको पुलिस नहीं रोकेगी, वो मंत्री जा रहे हैं उस पे। तो ऐसे देश थोड़ा चलेगा, देश तो संविधान से चलता है, देश तो नियम से चलता है। इस सरकार पर भी लग रहे हैं, कोई नहीं। ये देखिए, आरोप और चुने लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, बता रहे हैं। आरोप और प्रत्यारोप ये तो चलता है, लेकिन मैं ये बात नहीं, हम या किसी आम जनमानस से आप पूछिए, इस सरकार ने जो काम 5 साल में करके दिखाया है वो पिछली सरकारें 50 साल में नहीं की। जो विकास की गति, कोरोना काल में सबको मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीनेशन, शौचालय, कॉलोनी, ये जितनी सुविधाएं इस सरकार ने दी है, 2000 पीएम सम्मान निधि, उसके बाद में पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये नहीं कि दलालों के माध्यम, सारी चीज डायरेक्ट। गल्ला कोटेदार बेच लेते थे पिछली सरकारों में, अब क्या है, गल्ला रखे हैं वहीं, जब मैं अंगूठा लगाऊंगा तब वो खारिज करेंगे, नहीं लगाऊंगा तो रखे रहो। ये होता है भ्रष्टाचार मुक्त। तो इस बार लाएंगे भाजपा की सरकार? भाजपा की सरकार तो 100% आनी यानी। और कुछ लोग हैं भैया, इस बार क्या माहौल है? इस बार बीजेपी की है। हाँ, क्या देखते हैं, क्यों लाना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी की नहीं है, यहाँ व्यक्तिगत प्रेम नारायण पांडे की है, आपको मैं बता दूँ। अच्छा। और रही बात सरकार की, भाई साहब ने बताया कि सरकार की नीतियाँ, आप ये 2 साल में शिक्षा का स्तर आप लोग खुद जानते हैं क्या स्तर पे पहुँच गया। इनका इलेक्शन होता है, कोई कोरोना नहीं होता है, बच्चे कमरे में बैठे रहें, वो टहले तब कोरोना नहीं हो रहा है, स्कूल जाएंगे उनको कोरोना हो जाएगा।
स्थिति यह है, इसका असर आपको 10 साल के बाद दिखाई पड़ेगा। ये जो 2 साल का ये गैपेज हुआ है, ये बच्चे जो हाई स्कूल इंटर प्रमोट हुए हैं, ये किसी लायक नहीं रह गए। मतलब आप भाजपा सरकार पर सवाल उठा रहे हैं? जी बिल्कुल, सरकार व्यक्तिगत विधायक आप कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं? जी कैंडिडेट को, क्योंकि देखिए वो व्यक्तिगत कैंडिडेट ऐसा है कि वो हर जनमानस को दुख दर्द कोई भी हो, रात 2 बजे अगर आप विधायक जी के पास फोन कर दीजिए तो उठाएंगे। तो विधायक और हमको कैसा चाहिए? अच्छा, यहाँ ब्राह्मण सियासी समीकरण बैठ रहा है, दोनों कैंडिडेट ब्राह्मण है, इस पर क्या? देखो ब्राह्मण ऐसा नहीं, ब्राह्मण दोनों बैठ रहे हैं, लेकिन सबसे पल्ला भारी है प्रेम नारायण पांडे जी। कोई ऐसा काम बताइए जिससे गोंडा के जो तरफगंज विधानसभा के लोग हैं उनको पता चले कि हमारे विधानसभा में कार्य हुआ है। आप ये बंधे से गोंडा तक सड़क सबसे पहले मैं ट्वीट किया था, मेरे रगड़गंज की ये स्थिति कि यहाँ उत्तरी भवानी हर सुख सुमार को कम से कम 20,000 लोग आते हैं, और मैंने विधायक जी बने थे तो हमने फेसबुक पर निकाला था कि इस रगड़गंज का और उत्तरी भवानी का, तो उन्होंने टैग किया था कि इस सड़क का जीर्णोद्धार क्या, मैं 2 लेन क्या, उसके लिए उन्होंने युद्ध स्तर पर कार्य करके एक सबसे बड़ी उपलब्धि गोंडा से जो हम लोगों को मुख्यालय से जोड़ता है, ये विधायक जी प्रेम नारायण पांडे की देन है, और उन्होंने इस क्षेत्र के लिए सबसे नंबर एक काम ये किया। नहीं, यहाँ से जो मोटरसाइकिल से जाता था वो 1.5 घंटे में गोंडा पहुँचता था, इस हालत में सड़कें थी। कुछ लोग विधायक से नाखुश भी दिख रहे हैं? देखिए नाखुश, अब सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। भाई नाखुश तो है, आप आए 2 मिनट हमने आपको बैठने के लिए, नाराज होने की कई प्रक्रियाएँ हैं, हो सकता है उस व्यक्ति ने लाभ ना पाया हो, या हो सकता है कहीं, देखिए नियर अबाउट 3.5 लाख वोटर हैं इस विधानसभा में, ऐसा नहीं कि विधायक जी सबको संतुष्टि कर पाए हों, हो सकता है कुछ भाई गांव में सड़क बनी तो गेहूं खोदा गया सड़क बनने के लिए, तो 10 लोगों की अगर जमीन पड़ी तो हो सकता है वो 10 लोग नाराज भी हों, लेकिन 300 लोगों का भला भी हुआ है, ऐसा नहीं है। किस बार ला रहे हैं? नहीं, वो तो प्रेम नारायण पांडे श्योर। और कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? विकेश सिंह मोनू प्रधान नाम है हमारा। अच्छा जी, तो प्रधान है भी किसी? नहीं, हमारा नाम है, हमारे 6 बार दादाजी थे और 2 बार माता जी। अच्छा अच्छा, पारिवारिक पूरा जी। तो इस बार क्या माहौल है, किसकी सरकार? देखिए सरकार बनना क्या है, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ हर 5 साल पर परिवर्तन होता है, इस बार परिवर्तन तय है, समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। हाँ, आप नहीं सब लोग जानते हैं कि समाजवादी सरकार बनने क्यों परिवर्तन लाना चाहते हैं, योगी सरकार में क्या कमी है? कमी जब देखेंगे तो आप शिक्षा देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, बढ़ती हुई जो महिलाओं का अत्याचार निरंतर हो रहा है, आप कहीं भी जाकर के देखते हैं शहरों में गाँव में किसी की सुनी नहीं जा रही है। जो विधायक के खास हैं उनका काम सुना जाता है, थाने हो चाहे चौकीदार हो या जिला स्तर पर हो, जो विधायक के विरोध में है उस पर मुकदमा और दिन रात लगाया जाता है। नौजवानों को कोई काम नहीं है, शाम को उनके पिताजी खेत रखाते हैं, रात को वो स्वयं रखाते हैं, अपनी शाही छुपाने के लिए कि हम लंबरदार के लड़के हैं, हम प्रधान जी के लड़के हैं, तो दिन में घूमते हैं लेकिन रात में सबको खेत जाना पड़ता है, ये है यहाँ की पॉलिसी। रह गई विकास की बात, सन 2012 में सपा की सरकार थी, माननीय आदरणीय मंजू सिंह जी विधायक थे, हमारे विधानसभा में 9 पुल बना, आज सैकड़ों टाली गन्ना रोज जाता है, यहीं ढकिया पे फंसा रहता था, लोग नहीं जा पाते थे, किसी गन्ना नहीं बिक पाता था, माननीय मंजू सिंह ने वो काम किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया, लोग आसानी से मिल जाते हैं। 5 साल में पहली बार सपा सरकार ने गन्ने का रेट बढ़ाया था, भाजपा सरकार में 1 रुपया गन्ने का रेट बढ़ा है, सब लोग जानते हैं 324 रुपया रेट था, 325 किया गया, ये है आपके सरकार की उपलब्धि। कैंडिडेट को रामभजन चौबे को सपा प्रत्याशी, देखिए अगर हम मान लें कि हम मान लीजिए एक व्यक्ति को जिता दें तो क्या फायदा पड़ता है, जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है समाजवादी को, तो हम तरफगंज से बीजेपी के विधायक जिताने से क्या फायदा होगा? मतलब सपा की सरकार, हमें सरकार से मतलब है, जो शीर्ष नेतृत्व आदेश देगा उसका नीचे वाले पालन करेंगे, जो जिला अधिकारी काम देता है चाहे जो व्यक्ति हो उसको मानना पड़ता है, विधायक जी स्वयं के निधि से नहीं कर चला सकते हैं कुछ। हाँ, सपा सरकार में काम हुआ था, सपा सरकार आएगी, युवाओं को रोजगार मिलेगी, किसानों को फसल में वृद्धि होगी, उनके फसलों का उचित रेट मिलेगा, ये तरफगंज क्षेत्र है,
यहाँ पर धान का रेट सरकार के यहाँ से 1970 रुपए है और चावल किसी व्यापारी के यहाँ पूछ लीजिए 1300 में है। आप पूछिए जब धान में 60 किलो चावल निकलता है तो 1300 रुपए में कैसे बिक रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोगों से हम बातचीत करने, क्या नाम है भैया जी? इस बार क्या माहौल है, किसकी सरकार बना रहे हैं? तो आपने देखा ये तरमगंज विधानसभा है जहाँ पे हमने लोगों से जाना कि इस बार क्या चुनावी माहौल है, किसको वोट करेंगे। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, गोंडा। बीजेपी खिलाएगी कमल या एसपी की चलेगी साइकिल, हाथी पहुंचेगा सत्ता के शिखर तक या कांग्रेस के पंजे में आएगी सत्ता, क्या है यूपी की चाहत, देखिए जय भारत।